नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को 2022 साल की शुभकामनाएं देता हूँ। ये साल आपके लिए खुशहाल रहे, हेल्दी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो आज का हमारा वीडियो है एक पुराने घर का रिनोवेशन। 115 साल पुराना घर का वो रिनोवेशन करके कैसा ही घर बनाया है, उसका ओल्ड हाउस का वॉक थ्रू और उसके बाद जो कम्प्लीट चेंज ओवर हुआ है उस नए घर का वॉक थ्रू हम देखेंगे। इससे पहले कि हमारा आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के पुराने वीडियोस के जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, PPT है, उसके स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको कौन से वीडियो का PPT चाहिए आप बताइए, मैं उस पर आपको शेयर करता हूँ। तो मैं अपना मेल ID डिस्क्रिप्शन में जोड़ रहा हूँ, उसमें आप जाके मुझे मेल कीजिए, उसमें मैं आपको सेंड करूँगा। और ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जल्द अगर किसी को चाहिए तो जल्दी इसको मुझे मेल कीजिए। एक पुराना घर है, 115 साल पुराना लगभग, इसका हम अभी वक्त को देखेंगे। यहाँ से एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं पुराने टायर का ये फर्श है, इसके साथ ये पूरा ऊपर में लकड़ी का पूरा मटेरियल है और ये पानी का कनेक्शन। ये एक लोड बेरिंग का स्ट्रक्चर है और लोड बेरिंग का स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि दीवारों की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसमें ये पता चल रहा है कि खिड़की जैसे देख रहे हैं हम। इस साइड में एक स्टेयरकेस है, ये भी पूरा इसका पूरा सपोर्ट वगैरह वो सब लकड़ी से ही बना हुआ है। इधर हम अभी ऊपर जाएंगे और आप देख सकते हैं स्टेयरकेस कैसा बना है। और ये ऊपर जाने के बाद में आप इधर साइड में देख सकते हैं ये रूम का, उसका रेलिंग वगैरह वो सब लकड़ी का ही बना हुआ है। और इसमें छत में आप देख सकते हैं वो टाइल्स पूरा लकड़ी का, राफ्टर वगैरह वो सब बना हुआ है, बर्लिन राफ्टर, पुराना पूरा रूफ का स्ट्रक्चर जैसे रहता है उस टाइप का है। और ये बाहर टेरेस में जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए पुराने घर का टेरेस कैसा दिख रहा है। ये ओल्ड स्टाइल के हाउस में ज़्यादातर यही मतलब रूफ स्लोपिंग रूफ रहता है, ऊपर में कई कई जगह मैंगलोर टाइल्स या फिर अलग टाइल्स रहते हैं। अभी हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं, नीचे हम अभी अंदर देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर में पूरा लकड़ी का ये बीम्स टाइप बना हुआ है। जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पुराने इसमें ज़्यादातर लकड़ी का ही यूज किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुराने घर में ज़्यादातर मतलब सीमेंट का कम चूना का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है। उस समय ज़्यादातर मिट्टी और चूना का इस्तेमाल होता था, सीमेंट तो यूज़ किया गया नहीं था। ये आप देख सकते हैं ओल्ड हाउस का ही पूजा रूम वगैरह, पूजा रूम कैसे है। और ये इस घर का एक विशेषता है कि दोनों साइड में घर होने की वजह से उसको हम साइड में तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, रोड फेस और बैक फेस। और इस घर का साइज है लगभग उसकी चौड़ाई 12 फीट है और लंबाई 78 फीट है, तो उसी में वो घर बनाना है। ऊपर से दोनों बैक साइड और फ्रंट फेस से वर्क अपना ये छोड़ना है, कुछ स्पेस छोड़ना है। ये देखिए आप पीछे साइड में ऊपर में शेड ये कैसा बना हुआ है। ये पानी का टंकी देख सकते हैं, पुराने घर में इसी टाइप की टंकियाँ ज़्यादातर रहती थी। और ये घर के पीछे साइड में एरिया आप देख सकते हैं आप, पूरा पेड़ वगैरह लगाने के लिए टॉयलेट वगैरह वो सब बाहर साइड में है। पुराने घर में हर जगह लगभग टॉयलेट घर के थोड़ा दूर ही रहता था, अब देख सकते हैं इधर।
कि ऊपर का छत का आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। हालांकि ये अभी तोड़ के नया घर बना रहे हैं तो इसलिए डिसमेंटलिंग शुरू हुआ है, ये फर्श वर्ष तोड़ रहे, बहुत सारा पोर्शन डिसमेंटल किया गया है, आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए आप अभी अंदर आने के बाद में पूरा ये फर्श तोड़ रहे हैं, ज्यादातर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। ये आप देख सकते हैं अभी हम देखेंगे नया घर कैसे बनाए उसका, ये कंप्लीट चेंज ओवर किया है, कंप्लीट मेकओवर आप देख सकते हैं, ये G+1 और ऊपर में टेरेस उस हिसाब से बनाया है। अभी हम एंटर कर रहे हैं, ये देखिए स्टेप्स है एंटर, ये आउटसाइड का पूरा टाइल्स वगैरह लगा करके एंट्रेंस पोर्शन आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर, ये साइड में विंडो है। एंट्रेंस करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये पूरा 2x2 का पूरा वर्टिकल टाइल्स लगाए हुए हैं। इन लेफ्ट साइड में गेस्ट रूम या फिर सिट आउट के हिसाब से ये छोटा रूम रखा गया है। अंदर में आने के बाद में ये हॉल है, इसमें आप देख सकते हैं टेक्सचर पेंटिंग साइड में दीवार में किया गया है रेड कलर, और ये फॉल सीलिंग, इसमें लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। और ये अंदर जाने के बाद में सामने किचन है, सामने किचन है और लेफ्ट साइड में स्टेयर केस है। किचन आप देख सकते हैं, इसमें किचन ओटा वगैरह बनाया हुआ है पूरा। ये साइड में पूजा रूम है आप देख सकते हैं, जैसे अभी कुछ कुछ घरों में पूजा रूम स्पेशली प्रोविजन किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये पूरा रैक बना हुआ है, पूरा नेचुरल स्टोन में बना हुआ है। ये दूसरा किचन ओटा है, एक आमने सामने दो किचन ओटा लगाए हुए हैं। ये टॉयलेट है इधर अंदर लेफ्ट में जाने के बाद में, कमोड बैठा हुआ है और ये बैक साइड का पोर्शन है, इधर आप देख सकते हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं इधर एक टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, और ये बैक साइड का पोर्शन है। अभी हम फिर से हम अंदर आ रहे हैं, अंदर आने के बाद हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। इधर का आप फॉल्स सीलिंग वगैरह देख सकते हैं बीच वाले रूम का, ये आप देख सकते हैं हम स्टेयर केस से जा रहे हैं, पूरा साइड में एसएस रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो खिड़की है ये साइड में और ऊपर एक खिड़की है, ये वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल है, क्योंकि दोनों साइड से ये अगर बंद है तो दोनों साइड में आप दीवार खिड़की नहीं कर सकते, तो इसलिए एक छत पे ऊपर में एक स्काई विंडो टाइप का इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इधर आने के बाद में इधर एक टॉयलेट है, ये बाथरूम है, इसमें पूरा मिक्सर वगैरह सब मॉडर्न तरीके से प्लम्बिंग यूज किया गया है। और ये है इंडियन टॉयलेट है, और ये देखिए इधर एक रूम है, लगभग ये नीचे और ये ऊपर ऐसा ऑलमोस्ट 3 बेडरूम का घर बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ऊपर में पूरा सामान स्टोर करने के लिए पूरा रैक वगैरह ये सब बना हुआ है, कबर्ड्स बनाए हुए हैं और ये सब दीवार में बनाया हुआ है, और ये रैक भी देख सकते हैं पूरा कबर्ड्स कैसे बनाए हुए हैं। ये ऊपर में खिड़की वगैरह है और ये बाहर में एक छोटी सी गैलरी या फिर बालकनी है। और ये स्टेयरकेस जो है साइड का सिर्फ वो टेरेस पे जाने के लिए है,
ये पूरा स्टील का स्टेयरकेस बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम टेरेस पे आने के बाद देख सकते हैं इधर, ये पूरा जैसे मैंने अभी बोला था स्काई लाइट या फिर ये छत का जो ऊपर में विंडो है वैसा विंडो प्रोविजन किया गया है वेंटिलेशन और लाइट पर्पज के लिए, क्योंकि दोनों साइड से दीवार है, साइड में आप खिड़की नहीं देख सकते। टेरेस आप देख सकते हैं, हालांकि ये वक्त थोड़ा रात में लिया गया है इसलिए ऐसा लग फॉर लाइट इफेक्ट भी दिख सकता है। ये पानी की टंकी रखा गया है और इसमें ये जो स्काई लाइट या फिर विंडो का इस्तेमाल किया है इसमें पूरा के साइड बीच में पूरा ग्लासेस वगैरह बैठाएंगे और नीचे में झुंबर के लिए उन्होंने चेन रखा है, उसमें झुंबर लगाने वाले हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, हालांकि ये स्टेयर के लोहे का या फिर स्टील का बना हुआ है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, पूरा घर का एकदम टोटली कंप्लीट चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप ये झुंबर के लिए चेन फेंका गया है और ये स्काई लाइट या फिर स्काई विंडो आप देख सकते हैं कैसे बंद रखा है। मेनली पर्पज उसका वेंटिलेशन है क्योंकि दोनों साइड में आप खिड़की नहीं देख सकते। ये अभी अंदर का एक रूम है, इसमें देखिए पूरा एकदम कारपेंट्री वर्क अच्छा से किया गया है, पूरा कबर्ड्स वगैरह बनाया है और लॉफ्ट में दीवार पूरा ऊपर में लॉफ्ट में पूरा डोर्स करके मतलब स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये बालकनी है, फर्स्ट फ्लोर का बालकनी, ये बालकनी और ये साइड में खिड़की, पूरा ओपनिंग ऊपर से हम व्यू देख सकते हैं। घर कैसे अभी हमने जैसे पहले देखा पुराना घर और ये नया घर एकदम टोटली चेंज हुआ, एकदम अच्छा से एकदम मेकओवर हुआ है, कंप्लीट उसका चेंज ओवर बोल सकते हैं। हम इमेजिन भी नहीं सकते कि घर पुराना ऐसा था अभी ये ऐसा बन गया है। अभी हम नीचे जाएंगे, ये खिड़की है, ये भी खिड़की की वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ऊपर में ही स्काई लाइट है। अभी आप देख सकते हैं और एक स्टोर स्टेयर के नीचे एज अ स्टोर के लिए बनाया गया एक जगह है, ये इधर से हम अभी बाहर जा सकते हैं। ये देखिए नाइट में इसका एलिवेशन कैसे दिखता है, नाइट व्यू पूरा लाइट लगाने के बाद में ये एकदम बढ़िया दिख रहा है। इस साइड में कंपाउंड वॉल गेट वगैरह है, ये देखिए ये फॉल्सिंग लाइट इफेक्ट आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया दिखता है। इसके बाद ही एक झुंबर है, इस तरह से घर कंप्लीट चेंज ओवर किया गया। तो दोस्तों हमने देखा एक पुराने घर का कैसे चेंज हो गया, फिर मेक ओवर किया है, कैसे घर था 115 साल पुराना और अभी चेंज होने के बाद वो कैसा दिख रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।